वेलकम टू मॉम्स यम्मी कुकिंग। आज की रेसिपी है इंस्टेंट रावा इडली इन माइक्रोवेव। इसे बनाने के लिए सबसे पहले काजू को ड्राई रोस्ट कर ले और इसे अलग रख दे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले। तेल गर्म हो जाने पर 1 चम्मच सरसों या राई, 2 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द के दाल का तड़का लगाए। इसमें 10 से 12 करी पत्ते तोड़कर डालें और 2 कप सूजी यानी रावा डालें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक और इसमें अरोमा आने तक इसे फ्राई करें। अब सूजी को 1 बाउल में डालें। अब इसमें 1.5 कप दही मिलाएं। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब 1 कप पानी लेकर थोड़ा थोड़ा कर सूजी में डालकर मिलाते जाएं। बैटर तैयार हो जाने पर इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करें क्योंकि सूजी पानी सोख कर लेता है। अगर आपको लगे कि घोल ज्यादा गाढ़ा हो गया तो थोड़ा पानी मिला दें। अब बैटर में 1 चम्मच इनो डालकर अच्छी तरह मिलाएं। एक माइक्रोवेव इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर ले। इसमें रोस्टेड काजू रख दे। अब तैयार बैटर को मोल्ड में डाले। अब इसको ओवन में रखे। ओवन को माइक्रो मोड पे सेट करें और 2 से 2.5 मिनट के लिए इडली को पकने दे। अब दूसरे इडली मोल्ड को ले और इसमें किशमिश रखे। अब इसमें बैटर को डालें। माइक्रोवेव में इडली पक जाने पर इसे निकाल लें और दूसरे मोल्ड को ओवन में डालकर माइक्रो मोड पर 2 से 2.5 मिनट तक पकाएं। पहले बनी इडलियों को मोल्ड से प्लेट में निकाल लें। प्रोसेस से दूसरे मोल्ड के इडली पक जाने पर इसे माइक्रो से निकाल लें और प्लेट में सर्व करें। इंस्टेंट रावा इडली तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।